वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन करीब 74 साल पहले 23 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई थी। देश में मानो मातम छा गया था। हजारों में भीड़ इकट्ठा थी और लोग अपने घरों से घी लाए थे। हजारों लोगों ने मुंडन भी करवाया था। लोगों के मन में गुस्सा था। जब गोडसे से इस पर वजह पूछी तो गोडसे ने कई सारी वजह बताई, लेकिन उनमें से सबसे मुख्य वजह थी आज़ादी के बाद का बंटवारा। उनके अनुसार गांधी जी बंटवारे को रोक सकते थे। गोडसे ने कहा, अगर बंटवारे के बाद भी गांधी जी उन हिंदुओं की मदद करते जिनके साथ पाकिस्तान में जुर्म हुए, तो मैं तभी भी उन्हें माफ़ कर देता। आइए इस बात को एक कहानी समझते हैं। एक घर में तीन भाई रहा करते थे, बीटू, मालू और हीलू। बीटू काफ़ी गुस्सेल मजाज का था। मालू और हीलू का शोषण भी करता था और ऑर्डर्स देता था, उनकी एक नहीं सुनता था। ऐसे में माता पिता ने ये देख फैसला किया कि बीटू को मौसी के घर छोड़ देंगे। बीटू को काफ़ी क्रोध आया। बीटू ने माँ बाप से मतभेद भी किया, लेकिन माता पिता ने बीटू की एक नहीं सुनी। बीटू जब मौसी के घर के लिए तैयार हो ही रहा था तो उसने देखा मालू और हीलू तो काफ़ी खुशी खुशी रह रहे हैं। उसे क्रोध आया। उसने मालू को हीलू के बारे में गलत गलत बातें बताई कि कैसे मालू हीलू को गलत कहता है, और सेम ऐसे उसने हीलू के साथ किया और वो मौसी के घर चला गया। लेकिन इसके बाद से ही हीलू और मालू में मतभेद शुरू हो गए। ये मतभेद इतने बढ़ गए कि पिटाई तक, मारामारी तक आ गए। ये देख माता पिता काफ़ी चिंतित हो गए। माता पिता ने काफ़ी प्रयास किया, उनको समझाया, लेकिन मालू और हीलू फिर भी नहीं रुके। तो माता पिता ने फैसला किया कि घर में दो बंटवारे कर देंगे। घर का एक हिस्सा मालू को जाएगा और दूसरा हिस्सा हीलू को जाएगा। लेकिन आज माता पिता के इसी सवाल पर कई लोग सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि बंटवारे की क्या ज़रूरत थी। हिंदुस्तान के बंटवारे से काफ़ी लोग बेघर हुए, काफ़ी लोगों को पीड़ा पहुंची, रेप्स हुए, ये बात सच है, इससे हम उकर नहीं सकते। लेकिन बंटवारे की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि हीलू और मालू साथ में नहीं रह पा रहे थे। कई लोगों का ये मानना है कि क्यों नहीं सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया गया, क्यों कुछ लोगों को यहाँ रोक दिया गया और कुछ लोगों को पाकिस्तान में भेज दिया गया। इससे तो और मतभेद बढ़े, इससे और झगड़े हुए, जो कि आज हमें अक्सर देखने को मिलता भी है। क्लास में मतभेद हो रहे थे। क्लास के चार हिस्से हो चुके थे। ए और बी हिस्सा काफी लड़ रहा था, झगड़ रहा था, मतभेद कर रहा था, मार पिटाई तक उतर आया था। ये देख टीचर ने फैसला किया कि क्लास में बी ग्रुप को वो दूसरी क्लास में भेज देगी। ये देख बी के कुछ सदस्यों ने कहा कि टीचर, हमने तो कोई गलती नहीं करी है, हम दूसरी क्लास में नहीं जाना चाहते, हम इसी क्लास में प्यार से रहना चाहते हैं। ये देख टीचर ने भी मंजूरी दे दी। ऐसा ही कुछ फैसला बंटवारे के समय हुआ था। जिन धर्म के लोगों ने कहा कि वो साथ साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं, उनका स्वागत किया गया, बाकियों को दूसरे देश भेज दिया गया। लेकिन आज इसी फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये इंटेंशनली किया गया है। आज गांधी जी के आइडियोलॉजी पर सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम अहिंसावादी रहते तो शायद हमको आज़ादी ना मिल पाती। लेकिन यह भी सत्य है कि गांधी जी की अहिंसा आइडियोलॉजी और उनके शब्दों से ही लोगों के मन में आज़ादी की उम्मीदें जगी, आज़ादी की भावनाएं जगी। आज जितनी ही रिस्पेक्ट और ज़रूरी अन्य फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वह भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या मंगल पांडे हो, उतने ही ज़रूरी इतिहास के पन्नों में गांधी जी थे और रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।